We are here to celebrate the teacher's birthday. Nothing coincidence. कोशिश करें जुड़ने की सभी को क्लासेस में मैं बोल ही दूंगा है ना आप सभी को यू ऑल नो द वे ऑफ माय टीचिंग जस्ट एंड यू विल सी चलो ओके एंड जस्ट टेक इट We are here to celebrate the teacher's birthday. Nothing coincidence. Thanks a lot. तो करते रहते हैं जब एक चींटी होती है चलती है तो दीवारों पर चढ़ते समय एक बार चलती है फिर छोट खड़ी होती है फिर चलने लग जाती है जब एक छोटा सा प्राणी उस अवस्था में होकर मतलब हार नहीं मान रहा है बार बार करने का सीखना शुरू है जिस बार तो हम तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं अगर एक हिसाब से सोचा जाए जरूरत है तो परसिस्टेंसी और एक डेडिकेशन होती है सोलैम डेडिकेशन मैं स्टूडेंट से यही हमेशा सजेस्ट करता रहता हूँ ऐसे सभी के स्कूल में या जहाँ भी मेरे घर में भी बच्चे आते हैं सब मेरे गाँव के बच्चे इक्वेज गाँव में तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ योर पेरेंट्स बिकॉज यू थिंक अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ योर पेरेंट्स देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट What is the critical situation in your homes? And only you have to manage each other. I also don't know at that time, but slowly we have to manage ourselves. First of all, each and every creature of this planet, of this especially human being, should be bounded in a very special, in a very sequence of time. He or she has to do all the things on a proper and definite time. That is और हमारे पास में असल में सोचो तो है ही क्या ये तो है एक लेते कर्म पर इसमें अगर कटौती हो जाती है ना तो फिर मतलब कैसा रहता आप किसी काम को शुरू करते समय ही अगर सफल होने के बारे में सोच रहे हैं सफल होंगे ये बात तो तय है आप धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ाते जाइए और ऐसे बहुत सारे क्षण आपके जीवन में आएंगे जब आपको लगेगा कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही समय आपको क्या करना है छोटा सा पॉज लेना है ब्रेक लेना है सोचना है अब तक जो भी किया क्योंकि अभी तक तुमने जो भी किया है उसकी बदौलत आज आप इस स्टेज पर अरे ये हर किसी के लिए अप्लाई होता है वो कहा भी जाता है कि जिसने अपने आप को जितना घिसा है उतना निकल रहा है बहुत सारी चीजें हैं आस पड़ोस सबसे सिखाई देता है तो अच्छा सोचते रहिए अच्छे लोगों के साथ रहिए और मैं एक मेरी एडवाइस और स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स और समझ रहा हूँ तो सारी चीज़ें आप कभी ईगो नहीं करना है अपने अंदर क्योंकि ये जो उम्र है जब हम थोड़ा सा सीखने लग जाते हैं चीज़ों को सीख रहे होते हैं उस टाइम पर हमारा जो एटीट्यूड होता है ना ईगो होता है वो बिल्कुल चरम पर होता है बिल्कुल पीक पर होता है हाईएस्ट पॉइंट पर होता है
आपको ये भली बातें याद रहे, यू ऑल हैव टू अवेयर अबाउट इट दैट देयर इज नो रोल ऑफ यू इन द मेकिंग ऑफ यू. मतलब मैं अपने हिसाब से सोचूं तो मेरा यहाँ तक पहुँचने में, कुछ करने में मेरा क्या ही योगदान रहा. मुझे चीज़ें ठीक से समय से मिल गई. तो बच्चों को ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने अंदर ऐसी चीज़ नहीं लाए, हेल्पिंग नेचर बनाया, सबको साथ में लेने लेके चलने वाला सिस्टम बनाया. क्योंकि आजकल एकल परिवार होते जा रहे हैं, चीज़ें धीरे धीरे करके बच्चों का एजुकेशन तो ठीक है, मिल ही रही है एजुकेशन हर जगह मिलती है, स्कूल कॉलेज. बच्चों को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है जिनके बारे में उनको पता होना चाहिए, बताया जाना चाहिए स्कूली शिक्षा के साथ साथ में. Okay, that's till we another video and before going, no, I'm not going. I'll come back. Okay, just wait. तो मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं है, मैं आपको ये बात करूँ, मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं है. दो तीन दोस्त हैं गिने चुने, लेकिन वो 2,000-3,000 के बराबर है. आप के माइंड पर दूसरे लोग राज करने लग जाते हैं, ऐसा होता है साधारणतः. क्योंकि आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं तो आपको परेशान है दुनिया में वो है जो दुर्योधन की तरह सबसे राय लेता होगा. और राजा आदमी कौन है, राजा वाली सोच किसकी है, जिसका एक सलाहकार है, एक या दो, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा धीरे धीरे करके मामला बिगड़ता चला जाए. तो आपको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. और आपसे थोड़ा सा बेहतर स्थिति में हो जिस भी फील्ड में आप हो, आपसे चीज़ें आपको, अब ये नहीं कि मतलब आप मान लो अब टीचर है तो सामने वाले टीचर हो, वो आपको बढ़िया टीचर बनाने के रास्ते के लिए वो कुछ चीज़ें अवेलेबल करता हो, आपको कुछ में तो थिंकिंग ही देता हो कि यार ऐसा ठीक है, ये सही रहेगा, वो ठीक रहेगा. एडवाइजर, एडवाइजर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है. एडवाइजर प्लेज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी पर्सन्स लाइफ. अगर आप सोचे तो भाई हाँ ये बड़ा जगह, तो जितने भी बच्चे हैं चाहे निमगांव के हो, नगला बहना के हो, नगला बहना के लिए तो वैसे एक मैंने बैच चलाई रखा है, वहाँ यहाँ के आसपास के कोशिश करें जुड़ने की. सभी को क्लासेस में मैं बोल ही दूंगा, है ना. आप सभी को यू ऑल नो द वे ऑफ माई टीचिंग, टू कम जस्ट टू कम एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योरसेल्फ. At the last. Jack.